हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 5 बनाए जा रहे हैं, जिसमें बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इसे पहले भी एक बार पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिसे संबंधित आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। लेकिन अब सोच रहे होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो चीज़ें कुछ अलग थी, कि वो भी क्या करता है, अपने चारों ओर का फील्ड जनरेट करता है, तो उसमें एक फोर्स कार्य करता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होंगे कि एक आवेश होगा, उस आवेश के चारों ओर एक फील्ड जनरेट होंगी, जो फील्ड जनरेट होंगी उसके कारण एक फोर्स एक्ट करेगा किसी एक टेस्ट चार्ज पर, जो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कि माना एक चार्ज एक आवेश क्यू है प्लस क्यू, और एक टेस्टिंग चार्ज बहुत छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल क्यू नॉट, बहुत छोटा चार्ज, तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस आवेशेस क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, एक्ट लाइन जॉइनिंग, जिसे फोर्स कार्य करेगा वो क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा किसके लाइन जॉइनिंग के लिए, एक्ट द टू चार्जेस लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स सेम डायरेक्शन, अगर सेम चार्जेस हैं प्लस प्लस के तो क्या करते हैं फोर्सेस उसे रिपेल में लगेंगे। यहां पर जो इसके रिपेल में फोर्सेस कार्य करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर ये चार्जेस प्लस क्यू चार्ज क्या है नहीं, इसे दिख नहीं रहा है, तभी क्या करेगा ये, क्या इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर, कैसा चार्ज है ये आपका, टेस्ट चार्ज, तो क्या ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स जनरेट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ करेगा। कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है जिसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। कह सकते हैं कि एवरी चार्ज, अगर ये चार्जेस मान लेते हैं प्लस क्यू, यहाँ रखा हुआ क्यू नॉट या यहाँ रखा हुआ क्यू नॉट, तो कैसे करेंगे ये रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे करेंगे ये चार्जेस रेडियली आउटवर्ड्स की ओर क्या करते हैं आपके, ये डायरेक्शन रूम में एक फील्ड बनाते हैं। तो कैसा फील्ड बनेगा ये आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जनरेट होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, इन दिस कह सकते हैं इट इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, लिख सकते हैं एवरी चार्जेस, एवरी चार्जेस एट एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो हम बात करते हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है आपका, एक फील्ड के रूप में जनरेट करते हैं, क्रिएट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, तो ये एक ऐसा क्षेत्र, जो एक ऐसा आवेश जो अपने चारों ओर का एक क्षेत्र उत्पन्न करता है किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पर लगाने के लिए, बल जो कार्य करता है जिसके द्वारा एक आवेश के चारों ओर फील्ड जो तैयार होती हैं, जिसके दौरान उस पर एक फोर्स कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम कह सकते हैं। एवरी चार्जेस एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, तो कोई भी चार्ज, प्रत्येक चार्ज क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है वैद्युत क्षेत्र अपने स्वयं के चारों ओर के रूप में, जो एक डायरेक्शन के रूप में से दिखाएगा, प्लस प्लस है तो क्या करते हैं रिफिल करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने कूलम्स के लॉ के नियम में भी पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स क्या करता था आपका, के इन टू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये बनता था आपका। तो यहां पर क्या हमने क्यू इंटू क्यू नॉट, क्यू वन क्या है क्यू, क्यू टू क्या आपका क्यू नॉट, के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, तो ये जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या कह सकता है आपका, एवरी चार्ज एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो लेकिन हम कह सकते हैं कि जब एवरी चार्ज क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्यू नॉट चार्ज भी तो कर सकता है, टेस्ट चार्ज है, लेकिन ये क्या हो सकता है, वेरी वेरी स्मॉल, कैसा चार्ज है ये, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही सूक्ष्म
चार्ज लेंगे, जिसे हम कहेंगे एक टेस्ट चार्ज रूप में, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली रूप में कह सकते हैं, थ्योरेटिकली रूप में बनाने के लिए हम टेस्ट करते हैं क्या वाकई में ये क्यू पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, जिससे ये क्या सिद्ध होता है कि कूलाम के नियम की व्याख्या होती है नहीं होती है। कूलाम का नियम की व्याख्या जो डिफेंड करता है कि जो फोर्स कूलाम का नियम कहता है कि फोर्स हमेशा एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स इन रिपेल या और अट्रैक्ट, तो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये जो फोर्स लग रहा है तो किस कारण से लग रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता था कि ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरती है तो नीचे की ओर अट्रैक्ट होता है, तो किस कारण से ये नीचे की ओर बल, कैसा बल है, ये दिख तो रहा नहीं है, कोई फोर्स कार्य करता हम बता सकते हैं, बस कि बता सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में ही कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही इस पर भी ये ऐसा फोर्स कार्य कर रहा है तो जो किस कारण से हो रहा है ये फोर्स कार्य, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है कौन सा फील्ड कर सकता है, कि एवरी चार्जेस पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने चारों ओर स्वयं के, जो क्या कर सकते हैं किसी दूसरे आवेश को हम क्या कर सकते हैं उस पर उसको रिपेल या अट्रैक्ट कर उस पर उसके रिपेल में या अट्रैक्ट में उस पर फोर्स एक्ट करेगा, तो उस पर चार्जेस की ये क्या होगा आपका प्लस क्यू, जो टेस्ट चार्ज होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बहुत छोटा है इसे हम क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। और प्लस क्यू चार्ज क्या रहेगा आपका, ये हम यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव होने से, अगर आप यहाँ निगेटिव लेते हैं तो क्या करता है ये आपको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये लिख सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, जो फील्ड बनाएगा कैसा बनाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लें, अगर हम माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं तो यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज के लिए उसके लिए हम रखेंगे क्यू नॉट, एक बहुत ही छोटा चार्ज, कि क्या ये जनरेट करता है कि नहीं करता है। अगर इसे ढक दिया जाए तो कैसे बता सकते हैं, इसको कैसे पता होगा कि इस हमारे पर फोर्स रिपेल कैसे ये कर रहा है या अट्रैक्ट कैसे कर रहा है ये फोर्स, तो ये क्या करेंगे हम, ये प्लस चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो कैसे फील्ड बनाएगा ये, रेडियली इनवर्ड्स, कैसे बनाएगा ये रेडियली इनवर्ड्स। ये बात आती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्जेस की पूरी कहानी क्या बताती है, कूलाम के नियम पर जब हम व्याख्या करते हैं कि जो फोर्स कार्य करता है कि कैसे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, कि हम मान लेते हैं रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बताता है कि इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण क्या होते हैं ये रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, और फोर्सेस का डायरेक्शन बताता है कि फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी, कि प्लस पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा। और हम जानते हैं एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, और ये बहुत छोटा होगा, और ये क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट, लिख सकते हैं इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही छोटा, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर उत्पन्न कर पाए, क्रिएट कर पाए। तो ये कहानी बनती है इसकी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो ये जब बात आती है तो इसमें चीज़ें जब ये आती हैं तो इसके लिए बात जब पूरी होती हैं तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसके लिए जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका कि हम कितनी डिस्टेंस पर कोई भी चार्जेस को रख दें। हाँ, एक चीज़ और जिसे कह सकते हैं हम कि इसके चार्जेस को हम फैलाते जाएं, तो इसे आर डिस्टेंस पर या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो हम इसको दूरी को बढ़ाते जाएं या क्यू नॉट को हम और दूर रखते जाएं टेस्ट चार्ज को, तो क्या तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो हम कह सकते हैं हाँ करेगा। बस अंतर क्या होगा, उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि जब ये क्यू नॉट को हम इससे और दूर रखते हैं तो ये क्या होगा प्लस प्लस, तब भी क्या करेगा रिपल। बस अंतर क्या रहेगा कि इसकी फील्ड को जनरेट करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, कि बहुत दूरी के लिए अगर हम रख देते हैं क्यू नॉट को इन्फिनिटी पर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बहुत ही दूर क्यू नॉट इन्फिनिटी पर है, या आर डिस्टेंस क्या है, बहुत ही दूर है आपका इन्फिनिटी पर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। किस पर डिपेंड करेगा, जब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट एट पी एट डिस्टेंस आर, तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, नोट कर लीजिए, शायद नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम बात करते हैं अब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ड्यू टू पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर कि अगर कोई भी एक चार्ज प्लस क्यू है क्यों ना यहां एक पॉइंट पी डिस्टेंस आर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी कहा जाए तो वेक्टर ई तो अब हम पढ़ेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेक्टर ई के फॉर्म में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे लिखेंगे हम वेक्टर ई के रूप में तो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है कि अगर पॉइंट पी पर आर दूरी पर किसी चार्जेस से रखे गए हैं तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो हम बता सकते हैं कि ये प्लस चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव तो हम इसके लिए क्या लेंगे एक वेरी स्मॉल चार्जेस क्यू नॉट ऐसे सोचते हैं टेक अ वेरी स्मॉल चार्जेस क्यू नॉट इस पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्जेस ले लेंगे तो इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे विक्टरी विक्टरी क्या कहता है आपका फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज तो वेक्टर ई लिख सकते हैं हम एफ वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट ये बनता है आपका वेक्टर ई एज सेम डायरेक्शन वेक्टर ई सेम डायरेक्शन एज वेक्टर एफ कब होगा जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या होंगे ये सेम डायरेक्शन फोर्स कैसे होगा ऐसे रिपेल करेगा फोर्स जब रिपेल करेगा फोर्स एफ लिख सकते हैं कूलम्स के लॉ से के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप समझ रहे होंगे कूलम्स लॉ फोर्स एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू क्यू टू क्यू नॉट हमने लिया ना टेक अ वेरी स्मॉल चार्जेस क्यू नॉट एक छोटा चार्ज लेंगे उस पॉइंट पर टेक अप मतलब चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी पर हम एक चार्ज लेंगे क्यू नॉट बहुत ही छोटा जिस पर एक्ट करेगा फोर्स रिपेल प्लस प्लस फोर्स एफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज क्या हमारा क्यू नॉट तो कि हम किसी भी कहा जाते एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है किसी आवेश पर जो क्या बहुत ही छोटे सूक्ष्म आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट वेक्टर ई सेम डायरेक्शन एज वेक्टर एफ कब होगा जब दोनों डायरेक्शन या दोनों सिंबल्स क्या होंगे सेम होंगे प्लस प्लस चार्जेस होंगे तब उनका डायरेक्शन सेम होगा और अगर माइनस क्यू लेते हैं यहां पर माइनस क्यू लेंगे तो क्या करेंगे रिपेल करेगा बस क्या होगा वेक्टर ई अपोजिट डायरेक्शन एज वेक्टर एफ बस अंतर यही आता है बाकी आपकी वैल्यू जो आएगी सेम आएगी वेक्टर एफ क्या होगा आपका के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है तो वेक्टर ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर तो हम ले सकते हैं वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट बाई वन ले सकते हैं वन का मल्टीप्लाइड ऊपर की ओर क्यू नॉट का मल्टीप्लाइड आर स्क्वायर से ले सकते हैं इसे हम वेक्टर ई इक्वल के इंटू क्यू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर क्यू नॉट कैंसिल वेक्टर ई इक्वल के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर ये बनता है आपका
कि इंटेंसिटी, हम किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। उस पॉइंट की इंटेंसिटी है क्या कि हम उस चार्जर से कितनी दूर रखें, चार्ज कितनी दूर रखें हम टेस्ट चार्ज को, तो उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ वन क्यू नॉट। तो उसके लिए हमने कूलॉम्स का लॉ पढ़ा है, वेक्टर एफ इक्वल टू फोर्सेस अपोजिट में है या आपके अट्रैक्टिव में है या सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा आपका वेक्टर एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बस एज अ डायरेक्शन चेंज होता है, वेक्टर ई सेम डायरेक्शन एज वेक्टर एफ व्हेन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बट वेक्टर ई अपोजिट डायरेक्शन एज वेक्टर एफ प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कब होंगे, जब प्लस क्यू है माइनस क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या आपका टेस्ट चार्ज है, जो कहा जाता है बहुत ही छोटा है, जिस पर हम टेस्ट करते हैं कि इस पॉइंट पर चार्जेस के लिए क्या बता सकते हैं हम, कि ये प्रैक्टिकली रूप में रख सकते हैं कोई भी डिस्टेंस पर हम उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वो फील्ड कितनी दूर तक जनरेट कर रहा है, और उस फील्ड के बारे में बता सकते हैं कि हम अगर अनंत रख देते हैं इन्फिनिटिव तो उसके डिस्टेंस पर तय करती हैं। कि यदि आर की वैल्यूज इन्फिनिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी, जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। जैसे जैसे हम आर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे टेस्ट चार्ज का, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, कम होती जाएंगी या ज़्यादा होती जाएंगी, जो भी होगा। कि एक पास लाएंगे तो ज़्यादा होंगी, दूर ले जाएंगे कम, लेकिन क्या होगा उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। ये नहीं सकता है कि हम क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर को जीरो रख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए उसकी आपकी, जीरो हो जाए। कि हम कहा जाते हैं किसी भी पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अप्लाई नहीं की जा सकती है, वो अनडिफाइंड होती है। कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेम पॉइंट इन इज अनडिफाइंड। तो ये चीजें आती हैं। अब ये निकलता है आपका वेक्टर इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि कोई आवेश प्लस क्यू और एक आवेश क्यू नॉट दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ले सकते हैं डिस्टेंस का। दोनों पर क्या होगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस क्यू के रूप में फोर्स क्या होगा इसके, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फोर्स हमेशा एफ कार करेगा एज अ सेम डायरेक्शन एज अपोजिट डायरेक्शन रिपेल करेगा। प्लस प्लस क्या हो जाएंगे आपका, एफ इक्वल टू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू हमें मिलेगा के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू इंटू क्यू नॉट, ई क्या मिलेगा के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं इसे हम के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर के लिए ई प्रोपोर्शनल किसके होगा आपका, वन बाई आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम आर के मान को बढ़ाएंगे ई क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ई क्या ले सकते हैं हम, एफ अपान क्यू। इसके लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ कैसे होगा, ई और आर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं कैसे बनेगा आपका, ई प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम ई का मान बढ़ाएंगे या आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा, ई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा। तो ये बातें आती है आपका कि वेक्टर फॉर्म में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या रहेगा आपका, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, तो वेक्टर ई इक्वल टू के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनली वन अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से बात आती है आपकी कि अगर हम इसके लिए हम वेक्टर रूप में लिखते हैं कि जब वेक्टर ई इक्वल
के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होगा। तो इसके डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ जानते हैं किसी वेक्टर में उसकी दिशा भी होती है, तो दिशा क्या होगी एज अ सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, तो क्या आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर ऑफ आर। हम जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा हमने यूनिट वेक्टर ऑफ आर के लिए फॉर्मूला वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अप्लाई करते हैं तो वेक्टर ई इक्वल के इंटू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। वेक्टर ई इक्वल के इंटू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का होल क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये बनता है आपका फार्मूला वेक्टर फॉर्म में किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या मिला हमें के इंटू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि वेक्टर ई क्या डिपेंड कर रहा है आपका, प्रोपोर्शनल हो रहा है 1 अपॉन मॉड ऑफ आर का होल क्यूब का, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 अपॉन आर का होल क्यूब। तो जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और आर का मान कम करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये निकलता है आपका वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके लिए मात्रक भी निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या मिलेगा हमें फोर्स का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन और आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, जिसकी एसआई यूनिट निकलेगी। एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हैं हम न्यूटन प्रति कूलम। तो ये बात आती है वेक्टर फॉर्म में किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, नोट कर लीजिए। इसलिए हमने ग्राफ भी देखा, ग्राफ देखा उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म में अप्लाई किया फॉर्मूला जो निकला आपका, इस पर हम जो यूजफुल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुल टोटल, किसी एक सिस्टम में कोई आवेश रखे गए हों, किसी एक प्रक्रम में कई आवेश रखे हों, तो उस पर उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो अगला पॉइंट है आपका कि यदि किसी एक प्रक्रम में कई आवेश रखे गए तो उस पर कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कहा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि किसी आवेशों का एक प्रक्रम है, एक आवेश के प्रक्रम का कुल टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। माना एक आवेश Q1, एक आवेश माइनस Q2, एक आवेश माइनस Q3, तो इन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम एक पॉइंट लेते हैं P, माना एक पॉइंट P है जिस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये तो दिया गया गिवन दैट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लेते हैं, चलिए पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं वैसे भी कोई भी मान सकता है। तो ये कहा जाता है तरीके से कहा जाएगा कि सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या करेगा यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जो आपने पढ़ा है कि नेट फोर्सेस हम ज्ञात करते थे वहां पर, तो नेट फोर्सेस के लिए हम क्या करते थे सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लेते थे, उसी तरह से हम क्या करेंगे यहां पर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ये कैसे लगाएगा आपका फोर्स रिपेल, ये कैसे करेगा आपका फोर्स अट्रैक्ट, ये कैसे करेगा आपका इस पर फोर्स रिपेल करेगा। तो यहां पर जो फोर्स F लेते हैं F1 F2 F3, तो टोटल नेट फोर्स हम बाय सुपर पोजिशन थ्योरम नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 हम निकालते थे ऐसे, नेट फोर्सेस क्या थी F1 प्लस F2 प्लस F3। और हम यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं बाई सुपर पोजिशन थ्योरम, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई आवेश दिए गए हैं
पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन बताता है आपका, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस भी ले सकते हैं, सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जिसे जिसे आपका दिया गया होगा चार्जेस का सिस्टम जो बनाया गया होगा, इनेट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनेट के लिए इनेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एफ वन बाई क्यू नॉट प्लस एफ टू बाई क्यू नॉट प्लस एफ थ्री बाई क्यू नॉट। तो आप निकाल सकते हैं इससे एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यूज कूलम्स लॉ से, के इंटू क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू टू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू थ्री क्यू नॉट बाई स्क्वायर। हम पुट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक चीज़ें तैयार होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे अभी लाइनों के रूप में कि लाइन के रूप में कैसे, रेखाओं के रूप में कैसे चलती हैं इलेक्ट्रिक फील्डें, तो वहाँ पर जब बातें होंगी तो अलग चीज़ें। तो ये चीज़ें जब आई आपका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस की, तो हम कुछ इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि पॉलीगन टाइप क्वेश्चन हमने किया था तो उस पर हमें वहां पर फोर्सेस निकाले थे, तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं एक कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो आवेशेस हैं, एक प्लस वन कूलाम माइक्रो कूलाम और उसके कुछ दूरी पर या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लस टू माइक्रो कूलाम रखा गया है, तो इन दोनों आवेशों के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्जेस एट टू चार्जेस मिड पॉइंट, दो बिंदु आवेशों के या कहा जाए दो आवेशों के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं दोनों के, आइए अगर यहाँ पर हम पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं, क्यू नॉट रखेंगे तो ये पॉजिटिव 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 क्या होगा आपका अट्रैक्ट, कैसे करेगा आपका ये रिपेल करेगा ऐसे, ये आप यहाँ लेते हैं माइनस टू माइक्रो कूलाम, तो क्या करेगा ये प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू, ये भी कैसे डायरेक्शन रहेगा आपका माइनस क्यू क्या करेगा आपको प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या कर रहा है प्लस प्लस रिपेल कर रहा है। दो आवेश एक प्लस वन माइक्रो कूलाम एक आवेश माइनस टू माइक्रो कूलाम, तो दोनों आवेशों के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं दो चार्जेस हैं उनके बीच का एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट, क्यू नॉट पर जो प्लस प्लस चार्जेस होंगे रिफिल करेंगे, तो यहाँ फोर्सेस एफ ऐसे होगा सेम डायरेक्शन एफ वन, और ये क्या करेगा माइनस टू माइक्रो कूलाम क्या करेगा प्लस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या होगा आपका यहाँ फोर्स लगेगा वेक्टर एफ टू और वेक्टर एफ वन। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा एफ नेट निकाल सकते हैं बाई सुपरपोजिशन थ्योरम, एफ वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू लिख सकते हैं हम के इंटू क्यू वन क्यू टू, क्यू वन कितना आपका है क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू टू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं क्यू वन है और ये मान लेते हैं क्यू टू है, ये क्यू नॉट के इंटू क्यू वन इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू टू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स हो सकता है आपका के इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस आर वन और आर टू मिड पॉइंट पर, ये डिस्टेंस कितना होगा आर वन होगा, ये कितना होगा आपका आर टू होगा, ये आर वन ये आर टू दोनों के डिस्टेंस कितना होगा 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पर है, आर टू भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये आर वन का स्क्वायर ये आर टू का स्क्वायर।
तो हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एफ वाई क्यू, एफ वन वाई क्यू नॉट प्लस एफ टू वाई क्यू नॉट। एफ वन की वैल्यू पुट करेंगे क्यू नॉट कैंसिल, एफ टू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नॉट कैंसिल, तो मिलेगा क्या हमें के इंटू क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर। तो हम आगे सॉल्व करते हैं के दोनों में क्या है सेम है, तो हम ले सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल के कॉमन क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर। आर वन इक्वल टू आर टू, दोनों के लिए टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टू मिड पॉइंट, आर वन इक्वल टू वन आर टू इक्वल टू वन, आर वन इक्वल टू आर टू बराबर वन सेंटीमीटर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के इंटू क्यू वन बाई वन प्लस क्यू टू बाई वन, ई नेट इक्वल के इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू। इफ इन द मीडियम ऑफ टू चार्जेस इन द वैक्यूम, कहा जाए ये वैक्यूम के लिए है या फ्री स्पेस के लिए है, तो के की वैल्यूज क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और आपका नोट कर लीजिए पहले फिर मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे इधर मिटा दें। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या इन एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, के इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्यू वन दिया गया है, क्यू वन इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 1 इंटू 1 माइक्रो इक्वल टू 10 पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। क्यू टू इक्वल माइनस 2 माइक्रो कूलाम, तो माइनस 2 क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा, तो 2 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। माइनस 2 क्या बताएगा आपका पॉजिटिव और निगेटिव, जो डायरेक्शन के लिए बताता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन होगा कि आपका अट्रैक्टिव रूम होगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कि सेम डायरेक्शन होगा कि अपोजिट डायरेक्शन। तो ई नेट हो जाएगा के इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू। तो इस पर हम क्या रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के, के इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू वन, क्यू वन इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर प्लस सॉरी प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। और ये कैसा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहां ले सकते हैं हम ई नेट इक्वल के इंटू क्यू वन, क्यू वन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्यू टू इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, के इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 2 1 3, 3 इंटू 10 पावर माइनस 6। समझ सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 9 3 जा 27, 27 इंटू 10 की पावर 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपका 27 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 6। थैंक्स। ओके थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग आगे क्वेश्चंस करते रहिए।